आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश के खिलाड़ियों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया. इसमें हमने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शामिल है. इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. और आज उन्हीं विजेताओं में से कुछ खिलाड़ी जो हैं हमारे बीच आ रहे हैं. सबसे पहले आ रही हैं वो जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते, 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते. भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया है. जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए शटलर पीवी सिंधु का. पीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. थैंक यू. आप हमारा गौरव हैं और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता. बहुत बहुत मुबारकबाद. कितना सोना इकट्ठा कर चुकी हैं अब तक आप? काउंट नहीं किया था, बट सोना तो है, घर में है. ओके. सेफ है. अच्छा, किसी ने आपको कहा नहीं लड़की बड़ी तेज है, जाली वाला रैकेट लेके आती है, सारा सोना समेट के ले जाती है? तो बोलते ही होंगे मोहल्ले में लोग के. नहीं, वो तो है, बट बैडमिंटन तो आपको पता ही है, तो हमेशा ऐसा करती तो कुछ ना कुछ मेडल लेके जाती हूँ. Yes! ये तो है. हमने आपको हमेशा खेल के कॉस्ट्यूम में ही देखा है, आज आप तो पूरी हीरोइन बड़ी प्यारी लग रही हैं आप. नजर ना लगे. और दिल से मुबारकबाद एक बार फिर से आपको. आइए पीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए सीजन में. आज अर्चना जी हमारे शो पे ना गोल्ड मेडल्स की बरसात होने वाली है. अब बुलाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की एक और विजेता को. इन्होंने बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड दिलाया. जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे निखत जरीन. थैंक यू. बड़ी चलाओ को ये वाला दिखा के नीचे से मारती हो. यही तो टेक्निक होती है बॉक्सर को, कुछ दिखाना और मारना कुछ और है. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड मेडल के लिए. थैंक यू. ये उतार दूं मैं? हाँ. मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ. मैं पता नहीं, कभी कभी होता है ना बंदा. धन्यवाद, मैं यहाँ पे रख देता हूँ. वाह, निखत जो है अभी भी बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र से ये घूसे चला रही हैं. किसको पीटने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आया था कि अब मैं बॉक्सर बन सकती हूँ? पहली फाइट कब करी थी आपने, किसके साथ की थी? सर पीटने के बाद नहीं, पिटने के बाद मुझे अक्कल आई कि लोगों को कैसे पीटते हैं. पिटने के बाद मतलब? आपको मैं एक बात बता दूं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूं वहां पे लड़कियों को स्पोर्ट्स में बहुत कम भेजा जाता है. अच्छा. और मैं पहली लड़की हूं जहां पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है. तो मैं, मेरे लिए वहां पे पार्टनर्स ही नहीं थे लड़कियां. अच्छा. तो मुझे लड़कों के साथ करना पड़ता था. तो लड़कों ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत पीटा. अच्छा. सोचा लड़की है कुछ नहीं आता है, पीट दिया. बट मैंने हार नहीं माना, उस चीज को मैंने एज ए चैलेंज लिया. मैंने कहा अच्छा बेटा तूने आज मारा, अगली बार मैं बताऊंगी. हमने एक और बात सुनी निखत के बारे में कि इनके पापा हमेशा साथ रहते हैं, प्यार की वजह से साथ रहते हैं. उनको डर है कि बेटी कहीं गुस्से में किसी का मुंह ना तोड़ दे. नहीं नहीं, मेरे पापा भी खुद एक एथलीट रह चुके हैं. अच्छा. तो उनका भी एक सपना था कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, नेशनल में मेडल जीतना और कंट्री के लिए खेलना. बट जैसे कि हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में एक सोच होती है कि घर का बड़ा बेटा है तो घर चलाना पड़ता है कमा के. तो उनको उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो सपोर्ट पापा ने मुझे दिया. वाओ. आइए निखत, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. अब वक्त है उस टीम को यहाँ पे बुलाने का जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लॉन बॉल गेम का नाम जान चुका है. इससे पहले आपने सुना था? नहीं, लॉन बॉल्स नहीं सुना था. खाने पीने का आपको जो मर्जी पूछ लो, खेल खिलौने का कोई नहीं पता. तो जोरदार तालियों के बीच शुरू मत हो जा मेरे साथ. अरे सुबह सुबह पानी है. अच्छा. जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गोल्ड मेडल विजेता टीम से रूप रानी तिरकी, लवली चौबे, मिस पिंकी और नयनमोनी साइकिया. हाय
आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. थैंक यू. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया में लॉन बॉल कम ही लोग खेलते हैं. आपकी वजह से इंडिया में ये गेम पॉपुलर हो गया. बहुत बहुत मुबारक आपको. अच्छा, आपको पहले से पता था कि लॉन बॉल में मेडल लेके आएंगे तो ऐसे कपिल शर्मा शो जाने का मौका मिलेगा? नहीं, आपको भी पता था कि हम यहाँ पर आएंगे? जिस दिन हमने न्यूज सुनी ना, वी फेल्ट सो प्राउड. और एक गर्व होता है, भले ही हम लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये वो जज्बा जो आता है ना कि यार हमारे देश की बेटी गोल्ड मेडल लेके आए. सो हमने तो सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि आप वक्त भी दे देंगी. आपने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद. कपिल सर, मेरा दो सपना था. जी जी. एक माननीय मोदी जी से मिलना. अभी आप मिलके भी आई जी सर. और दूसरा आपसे मिलना. तो आज दोनों सपना मेरा पूरा हो गया. शुक्रिया. अच्छा, इन सभी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है. इन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं को सोना बहुत ज्यादा पसंद होता है. बिल्कुल. आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आइए. आपको पता, बर्मिंघम में जब कॉमनवेल्थ हो रहा था तो जिस तरीके से हमारी लड़कियां धड़ाधड़ गोल्ड जीत रही थी ना, वहां की औरतों ने अपने लॉकर में छुपा लिए कि हमारा भी ना सोना जीत के ले जाए. निखत, कभी आपने अपने हाथों का वेट चेक किया ऐसे ढीले छोड़ के वेट मशीन पे कि कितने किलो का है आपका हाथ? एक काम करती हूँ, मैं आपको मुक्का मार के बताती हूँ. नहीं दीदी, मैं चलो ये तो फिर आप मारपीट पे उतरा ही. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ आप दोनों के साथ? आप दोनों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, फिर देखता हूँ कैसे हारती हो तुम लोग. देखेंगे. आ जाओ खेलने. वेरी गुड. मेरा बैडमिंटन रैकेट दो एक. आज होगा बैडमिंटन का धुआंधार मुकाबला. पीवी सिंधु, आप खेलती हैं बैडमिंटन? आपके लिए बस सिंधु जी काफी है. कम ऑन सिंधु. इधर नेट है. एक मिनट. नेट कहाँ है पहले ये बताओ. ये नेट है? हाँ. मैं समझा ये नेट है तो मुझे लगा आपकी इधर गिरी है. ओके, फिर से खेलते हैं. तो ये नेट है. ठीक है. और ये इतना है. ठीक है. पीछे इन है ना? पीछे क्या? पीछे वाला. पीछे, आपके पीछे. पीठ पीछे जो मर्जी हो, मैं परवाह नहीं करता. आप अपने को नेट देखना है. ठीक है. ठीक है. ओके, रेडी. आप रेफरी हैं? एक मिनट बंद करो. क्यों, कहाँ डल गया दिल? खेलने दीजिए आप. आप रेफरी हैं? नहीं, मैं इस गाने पर डांस करने के लिए आया. जब तो हारेगा है नहीं, पहले ही मनहूस बातें. अपने खिलाड़ी भी अप्रिशिएट करते हैं. वो तो आज एक एपिसोड के बाद चली जाएंगी. गेम हमारी चलनी है यहाँ पे. अच्छा, आप रेफरी हैं इस मैच की? ठीक है. टेल मी समथिंग अबाउट बैडमिंटन. आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट बैडमिंटन व्हिच यू आर गोइंग टू प्ले. नॉट गुड मिंटन, यू विल प्ले बैडमिंटन. ओके गाइस, पीवी सिंधु के साथ मैच खेल रहा हूँ. मेरे को मामूली बात नहीं है. सिंधु साहब, एक ही हाथ से खेल सकते हैं दोनों. नहीं. अच्छा, ये भी होता है? टेनिस नहीं है ये. मैं तो दोनों से खेलता रहा इतने साल तक. आप उनसे पूछा बैडमिंटन क्या है, आप बोलो. गुड वन. चिड़ी छिक्का बोलते हैं पंजाबी में. रेडी. ओके जी. फिर से. ओह अच्छा, टच भी नहीं करना? नहीं नहीं, पिछली जेब में डाल देता हूँ. देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें. मैंने वर्ल्ड चैंपियन को मैंने न्योता दिया. बिल्कुल. ये ना तो बाहर जाके आप किसी को बताएं, ना हम किसी से जिक्र करेंगे. वेल प्लेड कपू. आइए. मुझे एक बात पूछनी है चौबे साहब. जब कभी मम्मी या सासू माँ बोले कि कोई किचन से सामान उठा के पकड़ाना टमाटर, तो आप बाई हैंड देके आती हैं कि बोलते हैं कि इधर रखो बाउल और हम ऐसे ही फेंकेंगे? हाँ, बाई हैंड ही देते थे, लेकिन थोड़ा हम एंगल लेके जाते थे, क्योंकि हमारा बॉल भी एंगल लेके जाता है ना. फिर लेट से आते थे, इसीलिए लोग मतलब कोई काम बोलना हमको छोड़ दिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता था ना. खुद ही जाके ले आते हैं. चौबे जी, आप चारों शादीशुदा हैं, आपने ये गेम चुनी, इसके पीछे ये रीजन तो नहीं था? आपको पता था कि शादीशुदा औरतें, हम तो पति को घुमा लें, बॉल क्या चीज है? आप
अच्छा लड़कियों को मेकअप का भी बड़ा शौक होता है तो जैसे आप पूरी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और फॉरेन जाके खेल रही हैं पूरी दुनिया के खिलाड़ी आए हुए हैं तो हल्का सा इधर उधर जाके लिपस्टिक लगाती हैं लिप बाम तो पॉकेट में ही रहता है लिप बाम तो पॉकेट में रहता है नहीं इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है ज्यादा नहीं करते ऑब्वियसली स्वेट आता है तो फिर हाँ। रेस्ट टाइम में से के तो सबको पता चल जाता है ना हाँ, ब्राउन रंग का पसीना आ रहा हो कि बेस निकल रहा है आपका आज मौन व्रत है बिल्कुल नहीं अच्छा तो कसम से आप इतनी प्यारी बातें करती ना वक्त का पता ही नहीं चला कुछ तो बोलो कुछ तो सुनाओ छोटी एबीसी सुना दो चलो सर बताइए कि आप सुनो कुछ भी जो आपका मन हो गाना सुना दो फिर एक फिल्में विल्में तो देखती होंगी आपके नहीं जी कितना इंटेलेक्चुअल जवाब दिया आपने एक ही बार में बात ही खत्म नयनमोनी आपकी शादी को कितने साल हो गए 9 years बच्चे भी हैं आपके जी दो एक एक है इतना जल्दी कहां सर दो आप दुनिया के बारे में गूगल करें कई लोगों के तो 2 साल में 2 भी हुए हैं हाँ। वो अलग बात है कोविड चल रहा था सर हम लोगों में से नहीं है ना इसीलिए सर क्योंकि गेम भी खेलना पड़ता है घर भी संभालना पड़ता है इसीलिए सर एक ही नहीं, गेम खेलने के लिए तो फिर भी ग्राउंड में जाना पड़ता है ये वाली गेम तो घर पे ही बंदा ओहो घर का गेम से मीन्स ग्राउंड का गेम को ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना इसीलिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.